बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ नौशीन अहमद फ्रॉम होम फ्लिक्स। कैसे हैं आप लोग? ट्राई कर रहे हैं रेसिपीज? आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए चिनियोटी कुन्ना। बहुत मज़े का बनता है, बहुत पसंद किया जाता है, सब बहुत स्पेशल होता है, ख़ास दावतों में रखा जाता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कैसे बनता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह बनेगा। इसको इसी तरह फॉलो करिएगा और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। कुन्ने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें इस तरह का गोश्त होना चाहिए, मछली वाला, जिसके साथ नली की हड्डी लगी होती है। इससे ज़रा सही बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें तरावत आ जाती है। एक कप घी लेंगे, दो प्याज लेंगे, दो प्याज उसको स्लाइस की तरह काट लेंगे। अदरक लहसुन है 1/1 टेबल स्पून और उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। ये 1/2 कप हमें चाहिए आटा, आटा इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए। 1.5 टी स्पून सॉल्ट, 3/4 टी स्पून ब्लैक जीरा, ये मेन इंग्रेडिएंट होता है भुनने के लिए, जिसके साथ उसका फ्लेवर उठता है। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टी स्पून उसमें मैंने देगी लाल मिर्चें डाल दी हैं। 2 टी स्पून सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ। ये चीज़ें हैं। कुन्ने में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कोई नहीं डलती, ना कोई दही डलता है, ना टमाटर डलते हैं, ना वो चीज़ें, इनसे ही इसका टेस्ट निकलता है। और इसको मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है। और इसके पहले इसमें यह पहले मटके में बनाया जाता था। मटके में सारा कुछ डाल के उसको ज़मीन के अंदर तंदूर में उसको दबा के तो फिर पकाया जाता था। तो अब हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम घी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको कोई भूनना फ्राई करना ब्राउन करना कोई जरूरी नहीं है, सारा कुछ इकट्ठा डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर। ये धनिया पाउडर, ये नमक, हल्दी पाउडर, ये रेड चिली पाउडर, ये दो चीजें एंड में बाद में डालेंगे। सबसे आखिर में जब कुन्ना तैयार हो जाएगा तो फिर हम ये को थोड़ा सा क्रश करके फिर डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर दम में रखेंगे। अभी हमने ये सारी चीजें डाल दी हैं, साथ हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने से मैं आपको बता दूं कि मैंने गोश्त को पहले अदरक लहसुन लगा के कोयले के लिए रख दिया था। अदरक लहसुन लगा के रखने से ये होता है कि एक तो गोश्त टेंडर हो जाता है, उसकी स्मेल निकल जाती है, बहुत मज़ेदार जूसी और उसका फ्लेवर इतना उठ के आता है। कभी आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप कभी भी बगैर अदरक लहसुन लगाए उन्हीं को बनाएंगे। मटन के ऊपर अदरक लहसुन लगा के तो थोड़ी देर के लिए आधा घंटा 15 मिनट जितनी आपके पास टाइम है उतनी देर रखते हैं, तो इसकी जो जितने इसके जूसेस निकलते हैं, प्योरिटीज निकलती हैं, रेड सा ब्लड सा जो भी कुछ है वो फेंक दें आप, वो ना डालें। मैंने सारा वेस्ट कर दिया था, अब ये खाली वो फेंकनी है। जो भी पानी इम्प्योरिटीज छोड़ता है वो सारी वेस्ट कर देंगे। ये गोश्त मेरे पास 1.5 किलो है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम हीट पे। इसको हमने पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा ये अपने जूसेस छोड़ दें मटन और थोड़ा सा भून जाए। तो इसके लिए ना हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे इसके साथ और थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। और इसको पकाने के लिए जब रखेंगे तो उसके ऊपर हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट तक हमने इसको इसी तरह ही पकाना है। 15 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको गलने रखेंगे जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा। अभी हमें इसको ढक के 10-15 मिनट ऐसे ही पकाना है। जी ये देखिए, मैंने सारा कुछ आपके सामने डाल दिया था और ये पक रहा है। इसको तकरीबन हमने
15-20 मिनट तक पकाना है कि ये अच्छा सा भून जाए, ये मसाला जो है उसकी कचाहट ख़त्म हो जाए, कच्चा ना रह जाए। तो ये देखिए कितनी अच्छा कलर भी आ रहा है और कितना अच्छा ये गलता भी जा रहा है प्याज, और कितना अच्छी इसकी ग्रेवी बनती जा रही है। पुणे में प्याज फ्राई करके डालें तो टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर प्याज फ्राई करके नहीं डलता, ऐसे ही डलता है ताकि ये इसके जो फ्लेवर है ना वो ही आए जो पुणे का आता है। तो इसको हम बस 5 मिनट और पकाएंगे, जब हमें लगेगा इसका पानी जो है वो अब भून गया है, अच्छा खुश हो गया, तो फिर इसको हम बनाएंगे। बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे दो स्टेप्स हैं। एक दफ़ा हमने ये इसको डाला, सारा कुछ डाला और उसको पका लिया इतना कि ये भून जाए। बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी की हांडी में जल ना जाए चीज़, हमें एहतियात करनी है थोड़ी सी। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है कि इसके अंदर अगर जल जाएगा ना तो इसका फ्लेवर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसको जलना नहीं चाहिए। बस आपने यही ध्यान रखना है कि जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें पानी डालेंगे, 3 से 4 कप पानी डालेंगे और ढक के इसको पकने रख देंगे कि ये गोश्त गल जाए। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो इसके जूसेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड है उसको हमने ड्राई करना है। ये देखें अभी इसके अंदर ये जो गोश्त ने पानी छोड़ा है, अदरक लहसुन ने पानी छोड़ा है, प्याज ने पानी छोड़ा है, ये पानी है इसके अंदर। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है 15-20 मिनट तक। जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसको गलने और पकने रख देंगे। बस इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो पानी है कुछ होने से पहले लग ना जाए, बस ये लगने का ध्यान रखना है हमें। जी ये देखिए कितना अच्छा सा भून गया है, इसके तो सारे वो भुनाई हो गई है और सारे ऑयल भी छोड़ दिया इसने। ये भुनाई ज़रूरी है, मुझे 20-25 मिनट लगे हैं इसको भूनने में, कि इसके अंदर जो स्मेल होती है गोश्त की वो भी नहीं आएगी और बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ जैसे हम देख रहे थे वो सारे अब ऑयल है, अब ज़्यादा वो पानी वानी नहीं नज़र आ रहा ना, और प्याज की कहाँ तक भूल गई है। अब बस हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है और इसको गलने रख देना है जब तक ये गोश्त गल जाएगा। गोश्त ये मछली वाला होता है, ये वैसे भी जल्दी गल जाता है, तो हम इसको ढक के रख देंगे गलने तक। इसमें तकरीबन हम 3-4 कप पानी डाल देंगे या जितना हमें शोरबा चाहिए उतना। आपको लग रहा होगा कि मैंने 3 टीस्पून जो है ना रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाल दी है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेंगे। जब आप बनाएंगे और उसको करेंगे ना तो बहुत नॉर्मल स्पाइसेस, नॉर्मल फ्लेवर आएगा इसका। तो ये ना घबराइएगा कि इतने ज़्यादा मैंने डाल दिए, इतने ज़्यादा नहीं लेंगे इसके, क्योंकि इसका अंदर हम और कोई चीज़ें नहीं डाल रहे, तो इसी का ही फ्लेवर उठेगा। तो इसी का ही बनाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। बस अब हमने इसको ढक के रख दिया, ये आराम से पकता रहेगा, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पकेगा जब तक गोश्त गल जाए। हम आधे घंटे बाद इसको चेक करेंगे, अगर ये गल गया हुआ तो फिर हम इसकी वो आगे का फाइनल टचेस देंगे। जी व्यूअर्स, ये काफ़ी देर से पक रहा था, 1.5 घंटा तकरीबन ये पका है, और अब इसका जो गोश्त है वो गल गया है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर आटे को घोल के उसका घोल डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बाकी का डालेंगे, एकदम से सारा नहीं उलटाएंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी हमें सही लगी तो फिर हम और आटा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा थिक होता है। इसकी एक मैं आपको टिप बताना चाह रही थी कि जब हम निहारी और पुणे में आटा डालते हैं तो उसका जो ऑयल है वो सारा हाई हो जाता है। तो मैंने ये क्या किया है कि ये थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से उतार लिया है, अभी उतार के मैंने रख लिया, जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम ऊपर से इसको ऑयल को डाल देंगे। थोड़ा सा मैं आटा और डाल, ठीक है, काफ़ी अच्छी इसकी हो गई, ग्रेवी थिक हो गई है, अब आटे की जरूरत नहीं है। अब
थोड़ा सा हम जीरे को क्रश करके इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम में पकाएंगे। जी ये देखें कितना अच्छी ये थिक हो गई है। इसके जीरे को मैंने हल्का सा धड़धड़ा सा घोट लिया, इतनी अच्छी स्मेल इसकी आ रही है जीरे की। असल में इस ब्लैक जीरे की उसमें स्मेल होती है जो एंड में डाला जाता है, शुरू में नहीं डालते, एंड में डालते हैं ताकि इसकी जो इसका अरोमा है वो कायम रहे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम की आंच पे रखेंगे और उसके पास निकाल के सर्व करेंगे। अब ये हम हमारा आटा डाल के हमने 10 मिनट पका लिया इसको और जीरा भी डाल दिया था। अब मैं एक चीज और डालना चाह रही हूँ जिसको फ्लेवर को और इनहेंस करेगा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अक्सर नहीं डालते लेकिन मेरा दिल है कि मैं डालूं क्योंकि इसके साथ मैंने डाल के टेस्ट किया है तो एकदम टेस्ट बहुत ही अच्छा इसका निकला है। अभी देखिए चूल्हा बंद है, हांडी जो है ना ये गर्म होती है तो ये काफी देर तक गर्म रहती है। अभी भी इसके अंदर उबाल आ रहे हैं। गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। बड़े पीस थे इस वजह से बच गया है, अगर ज्यादा छोटे पीस रखेंगे तो ये बिल्कुल हलवाई बन जाएगा। बड़ी मछली के पीस थे इसलिए ये बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। असल कुल्ले में ना खासियत सबसे बड़ी यही होती है कि उसका गोश्त इतना गला होता है कि वो इशारे से टूटता है। और उसकी स्पेशलिटी जो दो चीज़ें होती हैं, एक ये इसमें आटा डालता है ज़रूरी और एक ये इसके अंदर जीरा काला ज़रूर डालता है, इसके साथ इसका फ्लेवर उठता है। सफ़ेद जीरे से वो बात नहीं बनेगी, काला जीरा ही डालना पड़ेगा। बजा के रखा था इसी काम के लिए, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो वो सारा आटा ऑयल जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और उसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। जी मजेदार पुन्ना तैयार है, असल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें और 10 चीजें डालें तो वो कुछ और बन जाएगा लेकिन कुन्ना जो है ना वो इसी तरह बनता है। जी व्यूअर्स रेडी हो गया है चिनियोटी कुन्ना, बहुत मजे का बना है, बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी है। आप बनाएं और फिर जरूर मुझे बताइएगा कैसा बना और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, इसी तरह का होता है, यही फ्लेवर आता है। और अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर आप रेड चिली की पाउडर की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। मेरा बिल्कुल नॉर्मल मीडियम उसमें बना है। ये देखें मैं आपको बोटी दिखा देती हूँ उसकी, कितनी अच्छी गल गई है बोटी के, बिल्कुल साबुत भी है और गली हुई भी है, बिल्कुल घुल नहीं गई। तो आप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती रहें। मेरी कोशिश होगी कि आपको सिंपल और आसान घर के मसालों से ही सब कुछ सिखाऊं। अल्लाह हाफिज़।